हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब। डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखेंगे विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसाइकल बिन की सेटिंग आप किस तरह से कर सकते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले हम अपनी सभी नए यूजर से रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक आपने कंप्यूटर लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली और भी एडवांस वीडियो से आप एडवांस ऑप्शन और फीचर सीख सकें। तो ये स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड, सबसे पहले हम रिसाइकल बिन की सेटिंग का इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं कि हम सेटिंग क्यों करते हैं। तो डियर फ्रेंड, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसाइकल बिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हमारे द्वारा जब भी कोई फाइल या फोल्डर हम डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में ही जाती है। पर कई बार गलत सेटिंग होने से हमारी फाइल रिसाइकल बिन में नहीं जाती है और वो डायरेक्ट डिलीट हो जाती है, या फिर डिलीट करते समय कंप्यूटर आपसे रिकन्फर्मेशन नहीं करता है कि वाकई में डिलीट करना है या नहीं। तो डियर फ्रेंड, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें रिसाइकल बिन की कंप्लीट सेटिंग का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो डियर फ्रेंड, आज मैं आपको रिसाइकल बिन की कंप्लीट सेटिंग आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बस आप इस वीडियो के एंड तक पूरा देखें, ताकि आप रिसाइकल बिन की कंप्लीट सेटिंग अच्छे से सीख सकें और इसका यूज़ कर सकें। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डियर फ्रेंड, आपको क्या करना है, आपको अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आप यूज़ करते हैं उसको ऑन कर लेना है। ठीक है, ऑन करने के बाद आप देखते हैं कि डेस्कटॉप पर ही आपको रिसाइकल बिन का आइकॉन दिखाई देता है। ठीक है, इस पर आपको अपने माउस से एक बार लेफ्ट बटन और एक बार माउस से राइट बटन प्रेस करना है, जिससे आपके सामने इस तरह का एक मेन्यू दिखाई देता है। इसमें आपको एक प्रॉपर्टी ऑप्शन दिखाई देता है, आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिससे आपके सामने रिसाइकल बिन प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स की एक विंडो आपको इस तरह से दिखाई देगी। इसमें आपको एक ही टैब दिखाई देगा जो कि जनरल के नाम से होगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट एक ब्लॉक दिखाई देता है इसी के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, आपके हार्ड डिस्क या SSD ड्राइव के जितने भी पार्टीशन होते हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। एग्जांपल के लिए सी ड्राइव, डी ड्राइव या ई ड्राइव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है डियर फ्रेंड, हम इंडिविजुअल ड्राइव के लिए रिसाइकल बिन की अलग अलग सेटिंग कर सकते हैं। तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैं अपने सी ड्राइव की सेटिंग आपको सेट करना बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने अपने सबसे पहले सी ड्राइव पर इसे क्लिक कर दिया है। ठीक है, उसके बाद नीचे देखेंगे आप जहाँ पे लिखा रहता है सेटिंग फॉर सेलेक्टेड लोकेशन, और उसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन होता है कस्टम साइज, और उसके नीचे लिखा रहता है मैक्सिमम साइज, ब्रैकेट में लिखा होता है MB। ठीक है, और उसके सामने वैल्यू डली होती है। तो डियर फ्रेंड, ये वैल्यू जो डली होती है ये क्या चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ। डियर फ्रेंड, ये जो पार्टिकुलर आप ड्राइव सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके लिए आपने जो है एक कैपेसिटी सेट करी है कि रिसाइकल बिन के लिए, कि इतने MB का डेटा जब हम उस पार्टिकुलर ड्राइव से डिलीट करेंगे तो वो रिसाइकल बिन में स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने इससे ज़्यादा MB का डेटा अगर उस पार्टिकुलर ड्राइव से अगर डिलीट किया है तो फिर वो परमानेंट डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो साइज़ होती है डियर फ्रेंड, ठीक है, हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, बस इस ब्लॉक पर जाना होगा और इस ब्लॉक में सबसे पहले जो वैल्यू डाली होगी उसे बैक स्पेस की का यूज़ करते हुए आप इसे क्लियर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जितने GB का आपको सेट करना है, ठीक है, आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 20 GB सेट करना है उस ड्राइव के लिए, कि 20 GB का स्टोरेज आपको सेट करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 20 GB में आप क्या करेंगे, 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो वैल्यू निकल कर आएगी वो MB में होगी। ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू जो है MB में डालना है। ठीक है, तो आप जितनी GB का कैपेसिटी सेट करना चाहते हो उसमें 1024 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और जो वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, उसको आपको इस ब्लॉक के अंदर इनपुट कर देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इनपुट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पार्टिकुलर ड्राइव के लिए कैपेसिटी सेट कर सकते हैं कि इतने GB का डाटा अगर डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो ऑप्शन होता है इसके अंदर, डोंट मूव फाइल टू द रिसाइकल बिन, रिमूव फाइल इमीडिएटली व्हेन डिलीट। इसका मतलब ये होता है कि डियर फ्रेंड, अगर ये ऑप्शन हम एक्टिव कर देते हैं तो कोई भी फाइल या फोल्डर जब हम डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाती और वो क्या होता है, परमानेंट डिलीट हो जाती है। तो डियर फ्रेंड, इस ऑप्शन को मैं आपको सजेशन देता हूँ कि इस ऑप्शन को आप एक्टिव ना रखें, क्योंकि अगर ये ऑप्शन एक्टिव रहता है और गलती से आप फाइल या फोल्डर डिलीट कर देते हैं तो फिर वो रिसाइकल बिन में आपको नहीं मिलेगा, बल्कि वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा, फिर आप उसे रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप क्या करेंगे डियर फ्रेंड, कस्टम साइज पर ही क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला जो ऑप्शन होता है इसके अंदर डियर फ्रेंड, वो होता है डिस्प्ले डिलीट कन्फर्मेशन डायलॉग। डियर फ्रेंड, इस ऑप्शन से क्या होता है कि जब भी आप फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो कंप्यूटर आपसे रिकन्फर्मेशन करता है कि वाकई में आप इस फाइल या फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन पहले से क्या होता है डियर फ्रेंड, डीएक्टिवेट होता है, यानी ये ऑन नहीं रहता है,
जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी फाइल या फोल्डर आप डिलीट करते हैं तो वो डायरेक्ट डिलीट हो जाती है, आपसे कोई भी मैसेज नहीं आता है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम इस ऑप्शन को एक्टिव नहीं रखते हैं ताकि इसका इफेक्ट हम देख सकें, तो हम अप्लाई और ओके पे क्लिक करते हैं। अब मैं आपके लिए सबसे पहले एक डेस्कटॉप पे अपना एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ। ठीक है, फोल्डर बनाने का सबसे बेटर सॉल्यूशन है आप कंट्रोल शिफ्ट एन का यूज़ करेंगे, ये शॉर्टकट की है फोल्डर बनाने की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, जिससे क्या होगा कि डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बन जाएगा। उसके बाद इसका नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नया नाम इनपुट कर देता हूँ, 100। ठीक है, और बाहर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा फोल्डर बन चुका है। ठीक है, अब इस फोल्डर को मैं अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन का प्रेस करते हुए इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, आप देखेंगे फोल्डर डिलीट हो चुका है। ठीक है, और आपने देखा जब डिलीट हुआ है तो कोई भी मैसेज हमारी स्क्रीन पर नहीं आया। ठीक है, और वो डिलीट हो चुका है और जो फोल्डर है हमारा रिसाइकल बिन के अंदर पहुंच चुका है। हम इसे डबल क्लिक करके चेक करते हैं रिसाइकल बिन पे, तो आप देखेंगे फोल्डर रिसाइकल बिन के अंदर आ चुका है। ठीक है, अब अभी हम एक काम करेंगे, इसको फिर से रिस्टोर कर लेते हैं। तो इस पर क्लिक करके रिस्टोर दिस सिलेक्टेड आइटम पे क्लिक कर देते हैं, जिससे ये फोल्डर जहाँ से आया था वहीं पर वापस पहुँच जाएगा। ठीक है, फिर से हम रिसाइकल बिन की विंडो को बंद कर देते हैं। फिर से हम रिसाइकल बिन की सेटिंग में जाएंगे, प्रॉपर्टी में, तो फिर से हम इस पर लेफ्ट और राइट बटन क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस बार हम क्या करेंगे, डियर फ्रेंड, डिस्प्ले डिलीट कन्फर्मेशन डायलॉग बॉक्स ऑप्शन को एक्टिव कर देंगे और ओके करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड, फिर से इस फोल्डर को डिलीट करते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड से फिर से हम डिलीट बटन प्रेस करते हैं। इस बार आप देखेंगे आपके सामने एक मैसेज आ चुका है कि आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फोल्डर टू द रिसाइकल बिन, यानी कि आपसे बोल रहा है कि क्या आप वाकई में इस फोल्डर को रिसाइकल बिन में पहुँचाना चाहते हैं। ठीक है, यानी ये एक तरह का रिकन्फर्मेशन मैसेज आ चुका है आपके सामने। ठीक है, और अगर आप यस करते हैं डियर फ्रेंड तो ये फोल्डर रिसाइकल बिन में चले जाएगा, और नो करते हैं तो ये नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये मैसेज आना बहुत ही ज़रूरी है डियर फ्रेंड, क्योंकि गलती से अगर आप कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो आपसे एक रिकन्फर्मेशन हो जाता है कि वाकई में डिलीट करना है या नहीं। ठीक है, तो अभी मैं फ़िलहाल इसको नो कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी इसे नहीं पहुँचाना है। ठीक है, हम फिर से रिसाइकल बिन की प्रॉपर्टी में जाएंगे और इस बार हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड, डोंट मूव द फाइल टू द रिसाइकल बिन, रिमूव फाइल इमीजिएटली एंड डिलीट ऑप्शन को हम एक्टिव कर देते हैं और ओके करते हैं। देखते हैं इससे क्या होता है। फिर से हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड, डेस्कटॉप पे जो हमारा फोल्डर है उसको डिलीट करने के लिए हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे। इस बार आप इस मैसेज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस बार लिखा होता है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंट डिलीट दिस फोल्डर, मतलब क्या आप वाकई में इस फोल्डर को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं। तो अगर हम यस कर देते हैं डियर फ्रेंड तो ये फोल्डर परमानेंट डिलीट हो जाता है, ये रिसाइकल बिन में नहीं जाता है। ठीक है, मैं आपको ओके करके बताता हूँ। ठीक है, यस पे क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे ये फोल्डर हमारा डिलीट हो चुका है और अब रिसाइकल बिन को ओपन करके देखते हैं। अब देखेंगे रिसाइकल बिन में कोई भी फोल्डर यहाँ पर नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि वो परमानेंट ही डिलीट हो चुका है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कहा है डियर फ्रेंड कि आप इस ऑप्शन को कभी भी एक्टिव ना रखें। ठीक है, आप कस्टम साइज पर ही क्लिक कर दें, जिससे क्या होगा कि आपका जो फोल्डर है वो लॉस नहीं होगा। ठीक है, हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो डियर फ्रेंड, इसमें एक चीज़ का और आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको वाकई में कोई फाइल या फोल्डर परमानेंट डिलीट करना ही है तो आप शिफ्ट डिलीट का यूज़ भी कर सकते हैं, यानी कोई भी फाइल या फोल्डर आप सबसे पहले चूज़ करें, उसके बाद आप शिफ्ट डिलीट का यूज़ करें, जिससे क्या होगा कि वो फाइल या फोल्डर परमानेंट डिलीट का मैसेज आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में हम रिसाइकल बिन की सेटिंग कर सकते हैं और अपनी और फाइल फोल्डर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं डिलीट करते समय। तो डियर फ्रेंड, आज की बनाई हुई वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें, ताकि आपके थ्रू वो भी इस वीडियो को देखकर इस ऑप्शन को अच्छी तरह से सीख सकें। और अभी तक आपने कंप्यूटर लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली और भी एडवांस वीडियो से आप एडवांस ऑप्शन और फीचर सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन YouTube।